टॉपिक का नाम एरर्स। एरर्स के अंदर आपने जो भी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की और जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी उसके डिफरेंस को एरर बोलते हैं। एरर के अंदर जो मेन पार्ट है वो क्या है कि एरर की रिप्रेजेंटेशन कैसी है, सबसे पहले एरर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि अगर मान लो आपकी जो वैल्यू है वो 2.21 है ऑब्जर्वेशन आपकी, लेकिन करेक्ट रीडिंग क्या होनी चाहिए थी 2, तो चेंज ऑफ वैल्यू कितनी है 0.1, तो 0.1 क्या है इसमें एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो इसको डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ट्रू या करेक्ट वैल्यू किसी टर्म की 2 है और प्लस माइनस उसके अंदर एरर ज्यादा या कम हो सकता है 0.1, तो इसका एब्सोल्यूट एरर है कितना डेल्टा ए। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। रिलेटिव एरर का मतलब है एब्सोल्यूट एरर को करेक्ट वैल्यू से डिवाइड करें तो कौन सा एरर आएगा, रिलेटिव एरर आएगा, यानी कि डेल्टा ए बाय ए आपका रिलेटिव एरर है। जैसे अगर आपको रीडिंग 2 प्लस माइनस 0.1 गिवन है, इसमें रिलेटिव एरर क्या आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर है रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आएगा। अब मेन पार्ट है कैलकुलेशन में एरर्स का क्या करना है। अगर करेक्ट रीडिंग ए है, करेक्ट रीडिंग बी है, तो करेक्ट रीडिंग जेड आ जाएगी, कोई एरर नहीं है। पर अगर ए में एरर है, बी में एरर है, तो उनके एब्सोल्यूट एरर भी आपस में ऐड हो जाते हैं, ये रिजल्ट है। जैसे किन्हीं भी दो नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो करेक्ट वैल्यू को करेक्ट वैल्यू में ऐड करते हैं तो वो करेक्ट वैल्यू आएगी, और एरर्स भी एब्सोल्यूट आपस में क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। याद रखना है सब, जैसे सीरीज के अंदर दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक रेजिस्टेंस है 100 प्लस माइनस 3, तो ये R1 डेल्टा R1, R2 डेल्टा R2। सीरीज में क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में भी एरर निकालना है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या है 100 प्लस 200 कितना 300, और एरर क्या होगा 3 प्लस 4 कितना 7। ठीक है यहां तक। सब्ट्रैक्शन के अंदर एक्चुअल नंबर तो सब्ट्रैक्ट होते हैं पर एरर्स एब्सोल्यूट उनके क्या होते हैं, ऐड ही होते हैं। जैसे अगर मैं इस में से इस नंबर को माइनस करूं तो 2 में से 3 गया आंसर -1 तो आएगा आएगा, लेकिन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आपको क्या देगा 0.2। एरर्स ऐड ही होंगे एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन के अंदर डेल्टा जेड निकालने का ये फॉर्मूला है, डेल्टा जेड बाय जेड इज डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। फॉर एग्जांपल अगर दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड है, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, ए को बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2/3, ये तो आ ही गया। डेल्टा जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूले में डेल्टा ए ए डेल्टा बी बी और जेड पुट करेंगे तो क्या आएगा डेल्टा जेड आएगा, उस डेल्टा जेड को यहां पुट करके आंसर आएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है, एक्चुअल नंबर तो मल्टीप्लाई होंगे पर उनके एरर्स एब्सोल्यूट जो रिलेटिव है वो क्या हो जाएंगे, वो ऐड होंगे। अब नेक्स्ट आपको इसमें क्या है, एक्सपोनेंट का रूल लगाना है। एक्सपोनेंट के रूल में क्या किया जाता है कि जेड का ये फॉर्मूला है, तो एक्सपोनेंट का रूल है डेल्टा जेड बाय जेड इज पी इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस आर इंटू डेल्टा सी बाय सी और एस इंटू डेल्टा डी बाय डी। एरर्स ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक, ये रूल लगाना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि किसी मान लो जेड का ये फॉर्मूला है, ए के अंदर अगर मैं एरर मेजर करता हूँ तो 2% आता है, परसेंटेज एरर 2% है। परसेंटेज एरर का मतलब डेल्टा ए बाय ए इंटू 102% है। बी के अंदर परसेंटेज एरर 3% है, मतलब डेल्टा बी बाय बी इंटू 103% है, और सी का परसेंटेज एरर भी गिवन है, आपको जेड का परसेंटेज एरर निकालना है। तो आप एक्सपोनेंट का रूल लगाएं, डेल्टा जेड बाय जेड इसको देखते हुए डेल्टा जेड बाय जेड 2 डेल्टा ए बाय ए 4 डेल्टा बी बाय बी 5 डेल्टा सी बाय सी 100 से क्या करेंगे इन्हें मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आएगा डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 आएगा, डेल्टा बी बाय बी ये सब पता है, यहाँ से परसेंटेज एरर किस में आएगा जेड में आएगा। तो क्वेश्चन आता है इसमें बड़ा फेमस क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि सपोज आपके पास परसेंटेज एरर एरर इन मास इज 2%, परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ लेंथ इज 3%, परसेंटेज एरर एरर इन कैलकुलेशन ऑफ टी इज 4%। आपको बताना है कि x एक टर्म है, एम एल माइनस 2 टी माइनस 3, आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x क्या होगा, ये क्वेश्चन है, क्या आंसर है। तो आपको मास में पता है, लेंथ में पता है, टाइम में पता है, x में क्या होगा परसेंटेज एरर, ये क्वेश्चन है 44।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 इज इक्वल टू कितना, 2%। लेंथ के अंदर का मतलब क्या है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना है, 3%। टाइम में कितना है, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कितना है, 4%। आपको किस में निकालना है, एक्स में। एक्स की वैल्यू क्या है, एम एल माइनस थ्री टी माइनस एल, एम एल माइनस टू टी माइनस थ्री ऐसा कुछ है, तो 2 लिख लेते हैं इसमें। तो इसमें आप जब रूल लगाएंगे तो एक काम क्यों नहीं करते, टी वाली टर्म को ऊपर और एल वाली टर्म को नीचे ले जाएं, क्योंकि नेगेटिव तो अलाउड ही नहीं है ना, सारी पावर्स पहले पॉजिटिव कर लें फिर लिख लें। डेल्टा एक्स बाई एक्स इज 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 इंटू डेल्टा टी बाई टी प्लस 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 ये आ जाएगा, 3 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 ये आ जाएगा, प्लस 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 ये आ जाएगा। ये लो, तो आपको परसेंटेज एरर मास में पता है, टाइम में पता है और लेंथ में पता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ऐड कर लेना कितने परसेंट है, 20% है, ठीक है यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट आपको क्या इसमें गिवन है, ये तो उसके बेसिक न्यूमेरिकल्स आज हम प्रैक्टिस करेंगे। एरर के एग्जांपल्स में एक बड़ा फेमस एग्जांपल 2-3 बार आया हुआ है और वो है सीरीज और पैरल वाला, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक और क्वेश्चन है। ये वाला सिंपल पेंडुलम वाला बहुत बार आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन, टाइम पीरियड गिवन है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू गिवन है, और एक्यूरेसी ऑफ 1 mm का मतलब डेल्टा एल गिवन है, उसमें एरर गिवन है एब्सोल्यूट। फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड, तो टाइम पीरियड 100 ऑसिलेशन का कैपिटल टी 90 गिवन है, और रिस्ट वॉच से मेजर कर रहे हैं 1 सेकेंड रेजोल्यूशन का मतलब डेल्टा टी गिवन है, वॉट इज दी एक्यूरेसी इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो आपको बताना है डेल्टा जी कितना है, क्या परसेंटेज चेंज इन डेल्टा जी कितना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखें, क्योंकि आपको एरर की कैलकुलेशन डेल्टा जी में, जी में करनी है, तो जिसमें करनी है उसको लेफ्ट साइड पे लेके आए, तो आप इसके स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग करके जी लेफ्ट साइड और बाकी टर्म राइट साइड लेके आए, उसके बाद एक्सपोनेंट का रूल लगाएं, डेल्टा जी बाई जी, 4 में कॉन्स्टेंट में कोई एरर नहीं है, पाई कॉन्स्टेंट में कोई एरर नहीं है, एल में डेल्टा एल बाई एल, और 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। तो ये रूल रखें, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें। अब आपको इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन है 100 ऑसिलेशन का 90। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो पर ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन का है, तो एक ऑसिलेशन का मतलब इसको 100 से डिवाइड करें तो 9 सेकेंड आएगा यहाँ पे, या 90/100 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि करने की जरूरत नहीं है, आप कैपिटल टी को पुट करें स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर 90 सेकेंड, और कैपिटल टी को भी पुट करें 1 सेकेंड, क्योंकि अगर आपने इसको 100 से डिवाइड किया तो आपको एरर को भी 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और 100/100 ऑटोमेटिकली आपस में क्या कर जाएगा, कैंसल। तो पर ऑसिलेशन करने की जरूरत नहीं है, टोटल टाइम पुट कर दें, डेल्टा टी पुट कर दें, सीधा आंसर आएगा, परसेंटेज में निकाल लें, ठीक है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझता हूँ मैं, आना चाहिए। इसके बाद
जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उसमें एक पहला क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल का क्वेश्चन, इसका आंसर निकाल लें। अगर दो रेजिस्टेंसेज हैं पैरेलल में तो आपको बताना है कि परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरल की प्रॉब्लम है, और पैरल की प्रॉब्लम कम से कम ये दो तीन बार आई हुई है, इसको सीख लो। क्या आंसर है? नहीं और कोई आंसर नहीं आया अभी। देखो इसके अंदर आपको वैल्यूज गिवन है 10.5, 15.5, ये देखो। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक रेजिस्टेंस गिवन है जिसकी वैल्यू है 10, 0.5 ओम एक रेजिस्टेंस है, और एक 15 प्लस माइनस 0. कितनी है, 5 ओम। चेक करो यही है। अब चेक कैसे करोगे, चेक तो मेरे को करना पड़ेगा। 15.5 राइट, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू इसमें गिवन है। अब इसमें ये जो वैल्यू है, सपोज इसको आर वन मान लो और इसको डेल्टा आर वन मान लो, इसे आर टू मान लो, इसे डेल्टा आर टू मान लो। पहला पार्ट आएगा कि अगर ये किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, सीरीज तो सीरीज में आपको ये निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी विद एरर। तो सीरीज के अंदर ये दो टर्म्स ऐड होके आंसर 25 देंगी, और एरर्स भी आपस में ऐड हो जाएंगे, आंसर 1 देंगे। दिस इज द आंसर, ये आंसर आ गया, ठीक है। पैरेलल के अंदर ये ए पार्ट है, देखो जो पैरेलल है, पैरेलल के अंदर बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं।